मेरा नाम रूपा है और मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। सब को बस अपनी ही पड़ी रहती थी। हर कोई अपने काम से काम रखता था, हर कोई अपने मतलब से ही मतलब रखता था। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर भी थे और मेरी सास मुझे अब मेरी माँ की तरह प्यार करती थी, क्योंकि मेरी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर कभी के चली गई थी। इसलिए मुझे मेरी सास में अपनी माँ नज़र आती थी। मैं उनके साथ इसी तरह व्यवहार करती थी, लेकिन एक दिन मेरी सास के साथ मेरे ससुर ने कुछ ऐसा किया कि देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे ससुर मेरी सास के साथ। मेरे पिताजी को इस दुनिया से गए हुए काफ़ी साल हो गए हैं। मैं सात भाइयों की इकलौती बहन थी और अभी तक मेरे किसी भाई की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। मेरे भाई मुझसे छोटे थे। मैं अपने माता पिता की बड़ी और पहली औलाद थी। मैं सात भाइयों की इकलौती बहन थी। अभी तक मेरे किसी भाई की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे सारे भाई मुझसे छोटे थे। मैं अपने माता पिता की पहली औलाद थी। मेरे माता पिता ने हमेशा अपने काम को ही अहमियत दी थी। उन्होंने कभी मुझे अहमियत नहीं दी। मैं तो बस घर के कामकाज में ही घिर कर रह गई थी, क्योंकि मेरे सारे भाई काम पर जाते थे और मेरे सबसे छोटे दो भाई थे वह घर में ही रहते थे। मुझे इतनी बहुत सारे लोगों का काम करना पड़ता था, सबका खाना बनाना पड़ता था। उधर मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और मेरे पिता को मेरी शादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। जब मुझसे एक साल छोटे मेरे भाई की शादी करना चाहते थे, मेरे पिता के सारे रिश्तेदार उनको कहते थे कि पहले अपनी बेटी का ध्यान दो, उसकी शादी करो। मेरे पिता यही कहते थे कि मेरे पास बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं हैं, दहेज नहीं है। बहू का क्या है, बहू तो फ्री में आ जाएगी और अपने साथ दहेज भी लेकर आएगी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अब धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी भाभी आ गई और उसने मेरा इस घर में जीना दुभर कर दिया था, क्योंकि वह घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। घर के सारे काम अभी भी मुझे ही करने पड़ते थे। वैसे तो मैं घर के सारे काम पहले से ही करती आई थी, लेकिन अब भाभी आ गई थी तो उसका भी तो कुछ फ़र्ज बनता था। लेकिन भाभी ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो सारा दिन बस आराम ही करती रहती थी। घर वालों को लगता था कि भाभी के आ जाने से मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिल गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और अपनी माँ को याद कर कर के रोती रहती थी, क्योंकि जिस दिन मेरी माँ की मृत्यु हुई थी उस दिन से ही मेरे ऊपर इस घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे अपने भाइयों की भी बहुत फिक्र थी, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को यह समझा लिया कि जब तक इस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है, तो मुझे किसी की फिक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देखने में ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बस मामूली सी शक्ल की लड़की थी और मेरी उम्र अब 35 साल हो चुकी थी। मेरे साथ जितनी भी लड़कियाँ थीं उनकी सबकी शादी हो चुकी थी और उनके दो तीन बच्चे भी थे, और इधर मैं थी जिसकी शादी ही नहीं हो रही थी। एक दिन मेरे चाचा जी हमारे घर पर आए और उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत समझाया कि पहले अपनी बेटी की शादी करो, उसके बाद कुछ काम करना। मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी अपना काम करते थे। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था, उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से ही मतलब था, और वह पैसा भी सिर्फ अपने और अपने बेटों के लिए ही कमाते थे। जितना कमाते थे अपनी और अपने बेटों की ख्वाहिशें पूरी कर दिया करते थे। मुझसे तो किसी को कभी कोई मतलब ही नहीं रहा। मैं तो बस इस घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मेरे चाचा जी के दादाजी की जिद करने पर मेरे पिताजी ने शादी करने को तैयार हो गए। रिश्ता भी चाचा जी खुद ही लेकर आए थे। मैं इस बात से बहुत खुश थी, चलो मेरी शादी तो होने वाली है और इस घर से मेरी जान छूटने वाली है। लेकिन मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी जहाँ पर भी हो वह परिवार छोटा हो और कम लोग हों, ताकि मुझे कम काम करना पड़े। लेकिन जब मैंने लड़के को देखा और मुझे उसकी फैमिली के बारे में पता चला, तो मेरा दिल टूट कर रह गया। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वह लड़का बहुत ज़्यादा शाम था और उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह ही बहुत बड़ी थी। उसके भी 6 भाई और 2 बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी।
और सारे भाई अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। इधर वह लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। बस इस लड़के में खूबी इतनी थी कि वह बहुत ज़्यादा कमाता था और उसका घर भी बहुत बड़ा था। सुना है कि सारे भाई अपने अपने हिस्से लेकर अलग हो गए थे। ये लड़का बहुत ज़्यादा काला था, शाम था, इसलिए इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से मेरे चाचा जी इसका रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि इधर मेरी शादी करने का तो मेरे पिताजी का कोई इरादा ही नहीं था। और मेरे रिश्ते भी आते थे क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी थी तो कम ही आने लगे थे, इसलिए मेरे पिताजी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस रिश्ते की हाँ करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था। लड़के की माँ ने आकर मुझे सोने की अंगूठी पहना दी थी। मैं खुश थी, चलो मेरी शादी तो होने जा रही है और फिर एक ऐसे परिवार में होने जा रही है जहाँ पर मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर है। शक्ल सूरत से क्या होता है, इंसान की कमाई अच्छी होनी चाहिए। और फिर मुझे तो ऐसा पति चाहिए था जो मेरी इज्जत करे, मुझे सम्मान दे और मुझे प्यार दे। इसी भरोसे के साथ मेरी शादी मेरे पिता ने उस लड़के के साथ कर दी थी। मेरे ससुराल हमारे घर से बहुत दूर था। मेरे भाइयों या मेरे पिता किसी ने भी लड़के के घर जाकर उसका घर नहीं देखा था। वे लोग तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगे हुए थे और मुझे विदा कर रहे थे। लेकिन मुझे अपने चाचा जी पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वही मेरा रिश्ता लेकर आए थे। पर अफसोस की बात यह है कि मेरा भरोसा उनके लिए गलत साबित हुआ। जब मैं विदा होकर ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे पति का घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे पति का रंग बहुत काला था। पर फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वह अलग अलग घर में नहीं रहते थे, बल्कि एक ही घर में रहते थे। शादी के कुछ दिनों तक तो मुझे लगा कि वह लोग मेहमान हैं और शादी करने के बाद वह चले जाएंगे, लेकिन वह जितने भी लोग थे उसी घर में रहते थे और उनमें से कोई भी अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पति के उनके अलावा 6 भाई थे, उनकी 6 पत्नियां थी और पति पत्नी के बच्चे भी बहुत सारे थे। मेरे पति के साथ तो मेरे शुरू के दिन बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरे पति काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। इधर मेरा ख्याल मेरी सास रखती थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मेरी सारी जेठानियां तो अपने अपने कमरों में ही रहा करती थी, उन्हें आराम और मेकअप से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। मुझे 2-3 दिन ही आराम करने का मौका मिला होगा, उसके बाद से ही मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। वैसे तो यहाँ पर नौकर भी लगे हुए थे, वह सारे नौकर ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन मुझे इतने बड़े घर में होते हुए इन नौकरों पर भरोसा नहीं था। इसलिए मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं उन पर नज़र रखती थी। मेरी सास मेरी इस जिम्मेदारी से बहुत खुश हुई थी। इतने ज़्यादा लोगों के होते हुए भी इस घर में सन्नाटा ही रहता था, हमेशा बहुत ज़्यादा खामोशी ही रहती थी। सारे लोग अपने अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। मेरा पति जब से शहर गया था मुझे अपने कमरे में अकेले ही सोना पड़ता था। मेरे पति की आदत बहुत अच्छी थी। शादी की पहली रात से ही उन्होंने मेरे साथ अपना बिहेवियर बहुत ही अच्छा रखा था। मुझे खुशी हुई थी कि चलो यहाँ मेरा पति तो है, अच्छा है, क्योंकि उनका रंग काला था। काला होने की वजह से उनका काफ़ी टाइम शादी के लिए लड़की नहीं मिलने में बीत गया था और उनको लड़की नहीं मिलती। जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए जाती और मैं अकेली होती तो रात बीच में मुझे ऐसे लगता कि जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मुझे लगता था कि जैसे इस घर में भूत हैं, क्योंकि मुझे किसी के पैरों के चलने की आवाज़ भी आती थी। सारा दिन तो इस घर के सब लोग कमरे में अंदर बंद रहते थे, फिर रात को कौन था जो इस घर में टहलता रहता था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं अपने पति को याद करती रहती थी। अब हर दिन ही ऐसा होने लगा था कि मुझे किसी के चलने की आहट और चिल्लाने की आवाज़ आती थी। मैं डरते हुए अपने कमरे में ही बंद रहती थी। मैं सोचने लगी थी
कि मैं इस बारे में किसी से पूछूंगी ज़रूर कि आखिर रात के समय पर इस घर में ऐसा क्या होता है। अगले दिन जब अपनी सास से यह बात पूछी तो वह मेरे इस सवाल से थोड़ा घबरा सी गई और उन्होंने बातों को गोल गोल घुमा दिया था। ये घर ही बहुत बड़ा था, इस घर में रहते भी तो बहुत सारे लोग थे, हो सकता है कि कोई ना कोई रात के टाइम पे जाग जाता हो या फिर किसी जेठानी का बच्चा रोता हो और मुझे लगता कि कोई चिल्ला रहा है, शायद यह मेरा वहम हो। मैंने अपने दिल को ऐसे इस तरह से समझा लिया, वैसे भी मुझे तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए मुझे अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना था, मुझे इधर उधर दिमाग दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस घर में हमेशा की खामोशी से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। कभी कभार मेरी बात मेरे पति से फ़ोन पर हो जाया करती थी, उसके अलावा मेरा इस कहीं भी आना जाना नहीं था। इस घर में मेरी ससुराल का कोई रिश्तेदार भी आता जाता नहीं था और हर कोई अपने काम से काम अपने काम पर जाता आता और हर कोई अपने मतलब से मतलब रखता। एक दिन रात को मैं फिर से सो रही थी और मुझे किसी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। आज मैं हिम्मत करके देखने के लिए उठी गई थी कि आखिर कौन है जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कौन है जो इतनी रात में घर में टहलता फिरता है। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी किसी से फ़ोन पर चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। मेरे ससुर अक्सर ऊंची आवाज़ में फ़ोन पर बात करते थे, उनकी ही आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा करना, लड़ना, झगड़ना, अपनी मनमानी करना, फ़ोन पर लंबी गपशप ज़ोर ज़ोर से करना, मेरे ससुर का यही काम था, क्योंकि वह कोई काम नहीं करते थे और घर में ही रहते थे। सुना था कि घर के सारे लोग ससुर जी से बहुत डरते थे, यहाँ तक कि मेरी सास भी अपने पति से बहुत ज़्यादा डरा करती थी। मेरे ससुर का व्यवहार इस घर में किसी के साथ भी अच्छा नहीं था, वो किसी को की भी नहीं सुनते थे और अपने हिसाब से ही जो उन्हें करना होता था वही करके रहते थे। फिलहाल दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं हर रात बस यही देखती थी कि घर में आधी रात टहलने वाला इंसान कोई और नहीं, मेरे ससुर ही थे, और वही रात को किसी न किसी से बातें करते थे, जबकि मैं इस बात से बहुत डरी हुई थी कि कभी कभी तो वह रातों को मेरी सास को भी मारते पीटते थे। वो मेरी सास के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते थे, अपनी पत्नी को अपने पैर की जूती समझते थे। जब मेरी शादी हुई थी तब शुरुआत के दिनों में तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद ही इस घर में न जाने क्या क्या होने लगा था। मेरी सास को वह रोज़ मारते और मेरे ज़ोर ज़ोर से मेरी सास चिल्लाती रहती, चीखती रहती, मगर मेरे ससुर नहीं रुकते थे। अब मैं रोज़ रातों को जगकर उन लोगों की लड़ाई झगड़े कान लगाने लगी थी और सुनने लगी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि दोनों पति पत्नी आखिर किस बात पर झगड़ा करते हैं और ऐसी कौन सी गलती है जिस पर मेरे ससुर उनको मारते पीटते हैं। कुछ दिनों बाद मेरे पति 2-3 दिन के लिए घर पर मेरे साथ आए और उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया। मैं अपने पति के आने से बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी जिस दिन मेरे पति घर आए अब मेरे ससुर और मेरी सास पर लड़ाई झगड़ा बंद हो गया था, उन्होंने मेरी सास पर हाथ उठाना बंद कर दिया था। यह बात तो पहले भी नोटिस कर चुकी थी मैं कि जब मेरे पति घर पर होते हैं तो मेरे ससुर मेरी सास पर हाथ नहीं उठाते, झगड़ा नहीं करते और घर के सारे लोग भी एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ समय भी बिताते हैं। मुझे मेरे पति के सामने घर का माहौल पूरा बदला हुआ नज़र आता था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, हम लोग आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैं अपने पति के साथ तैयार होकर बाहर चली गई। मेरे पति मुझे एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके गए, वहाँ पर हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाया।
मेरे पति मेरी तरफ़ देखकर कहने लगे, क्या हुआ, मूड ठीक नहीं है क्या, तुमने खाना भी ठीक से तरह से नहीं खाया है। मैंने सोचा कि अपने पति से इस वक्त यह बात करना सही है भी या नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और घर के माहौल की वजह से भी। फिर मैंने अपने पति को सब कुछ बताने की कोशिश की, क्योंकि हम दोनों शादी के बाद पहली बार एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर से बाहर निकले थे। मैं ऐसी बात करके अपने पति को परेशान तो नहीं करना चाहती थी, फिर भी यह सोच कर रह गई थी कि आखिर मैं उस घर की बहू हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने पति से पूछ ही लिया कि आपके पिता रात को आपकी मम्मी पर हाथ क्यों उठाते हैं। यह सवाल सुनने के बाद मेरे पति बड़ी हैरानी से मेरी तरफ़ देखने लगे और कहने लगे, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पिताजी तो मेरी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं आगे कुछ कहने ही वाली थी कि इतनी देर में मेरे पति के पास किसी का फ़ोन आ गया और वह कॉल अटेंड करने के लिए मेरे पास से उठकर चले गए। मैं अपने पति के इस अंदाज से समझ गई थी कह कि वह इस बात से अनजान है। थोड़ी देर बाद मेरे पति वापस आए और मुझसे कहने लगे, बताओ तुम क्या बता रही थी। मैंने फिर से उसके बाद उनसे कोई बात नहीं की, कहा कि शायद मुझे गलतफहमी हुई है, अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई। इसके बाद मैं अपने पति के साथ वापस घर लौट आई। अगले 2 दिन बाद फिर मेरे पति वापस अपने काम के सिलसिले से बाहर चले गए। मेरे पति जाते समय मुझे शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे देकर गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी पसंद से अपने कपड़े ले आना, क्योंकि जिस दिन हम लोग घर से बाहर निकले थे उस दिन हमें इतना टाइम नहीं मिला था कि हम शॉपिंग भी कर सकें। मेरी किसी जेठानी, वैसे तो कोई मेरे साथ नहीं जाता था क्योंकि कोई मेरे साथ ढंग से बात तक नहीं करता था। मैंने अपनी सास से इसलिए नहीं पूछा था कि कहीं उन्हें ससुर जी जाने से इनकार ना कर दें। मेरे घर की सारी नौकरानियों के साथ अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक नौकरानी थी, मैंने उससे कहा कि क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी, तो वह मेरे साथ मार्केट चलने के लिए फ़ौरन तैयार हो गई। इस घर में मुझे किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई कुछ भी करे इस घर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था, किसी को पता भी नहीं होता था। इसलिए मैं नौकरानी को अपने साथ ले जाकर मार्केट से शॉपिंग करने आ गई। जब मैं मार्केट से घर आई तो मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे कदमों से अपनी सास के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। मुझे उनके कमरे से आवाज़ आ रही थी, वह कह रही थी, बस करो, अब मेरे ऊपर इतना जुल्म मत करो। इसका मतलब यह था कि आज मेरे ससुर फिर से मेरी सास से झगड़ा कर रहे थे, उन पर हाथ उठा रहे थे और रात का वक्त नहीं दिन का वक्त था। मैंने अपने हाथ से शॉपिंग बैग साइड पर रख दिया और कान लगाकर ससुर जी की बातें सुनने लगी। मेरी सास जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुम मेरे साथ यह सब मत करो, मुझे माफ़ कर दो, आखिर कब तक तुम मेरे साथ यही सब करते रहोगे। बार बार मेरी सास एक ही शब्द दोहरा रही थी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा कि आखिर मेरे ससुर मेरी सास के साथ ऐसा क्या कर रहे हैं, तो ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे ससुर मेरी सास के बाल काट रहे थे। मैं समझती थी कि मेरे ससुर मेरी सास पर हाथ उठाते होंगे और उनको मारते होंगे, तभी मेरी सास इतना ज़ोर से चिल्लाती है। लेकिन मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ था, क्योंकि वह उनको मार नहीं रहे थे बल्कि उनके बाल काटे जा रहे थे, जिस पर मेरी सास बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। पर वह ऐसा कर क्यों रहे थे, यह बात तो मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। आखिर बाल तो औरत का गहना होती है, उसकी सुंदरता का मापदंड होती है, हर औरत अपने बालों से ही खूबसूरत लगती है। मेरे ससुर के एक हाथ में मेरी सास के कटे हुए बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। अब मुझसे यह सब कुछ देखकर नहीं रहा गया, इसलिए मैं चिल्लाती हुई कमरे के अंदर चली गई। मैंने कमरे के अंदर जाकर अपने ससुर जी से कहा, पिताजी आखिर आप यह सब क्या कर रहे हैं। मेरे ससुर ने कहा, शुक्र करो बहू, तुम्हारी सास के हिसाब से यह सज़ा बहुत कम है, वरना जो तुम्हारी सास के कारनामे हैं
इसे तो इस घर से निकाल देना चाहिए। यह कहते हुए मेरे ससुर कमरे से बाहर निकल गए थे। मैंने अपनी सास को जाकर जल्दी से गले लगा लिया, क्योंकि वह बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है और पिताजी ने आपके बाल क्यों काट दिए हैं। मेरी सास कहने लगी, ऐसा तो वह हर रोज़ करते हैं। पहले तो वह मुझे मारते थे, पीटते थे और उसके बाद मेरे बाल काटते थे। मैंने कहाँ पर, मुझे लगता है कि वह खाली आपके बाल काटते हैं, आपको मारते नहीं होंगे। मेरी सास कहने लगी, यह आदमी बहुत जालिम है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेरी सास कहने लगी, बहू मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी इस घर के बारे में नहीं जानती हो, इसलिए तुम यह नहीं समझ पाओगी। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने उनसे पूछा, आखिर कोई तो बात होगी जो आपके साथ वह ऐसा व्यवहार करते हैं। मेरी सास ने कहा, बहू इस घर में सबको अपनी फिक्र है, इसलिए कोई किसी के मामले में कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि इस घर के सारे लोग मेरे छोटे बेटे की कमाई खाते हैं। तुम इस घर के लोगों से बचकर रहना और खासकर अपने ससुर से, वह तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। कभी भी कोई भी बात अपने पति से मत कहना, वरना वह मुझे जान से मार देगा। मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया। कहने लगी, आइंदा कभी भी हम दोनों के झगड़े के बीच में तुम नहीं आना, वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। और मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं थी, तुम अपने कमरे से में जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर बीच में बात जानने की। मैं खामोशी से कमरे के बाहर आ गई। मेरे ससुर मेरी सास के साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। मेरी सास एक अच्छी औरत थी और मैं इस तरह उन पर जुल्म होते नहीं देख सकती थी। मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी मुझे सीढ़ियों पर ससुर मिल गए। मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाकर रोक लिया। कहने लगे, एक बार मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। मैं अपने ससुर की बात को समझ नहीं पाई थी। वह मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता है तुम बहुत समझदार लड़की हो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। मेरा बेटा भी बहुत समझदार है। मैंने अपने ससुर जी से कहा, लेकिन आप माँ जी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। मेरे ससुर कहने लगे, रुको मैं अभी तुम्हें सारी कहानी समझाता हूँ, ताकि तुम्हें मुझे पर यकीन आ सके और यह भी पता चल जाए कि इस घर में क्या हो रहा है। यह कहकर मेरे ससुर जी ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ करने लगे। फिर अपने मोबाइल के अंदर से कुछ फ़ोटोज़ लगाकर मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाने लगे और कहा, देख लो, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। मेरे ससुर कहने लगे, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मर्द अपनी पत्नी से बेवफाई देखेगा तो फिर वह अपनी पत्नी पर किसी न किसी तरह तो रोक लगाएगा ही। फ़ोटोज़ देखने के बाद तो मेरे पैरों तरह ज़मीन निकल गई थी। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। अभी मैं फ़ोटोज़ देख ही रही थी कि अचानक सीढ़ियों से मेरी सास आ गई और उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगी। कहने लगी, तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई हो। मैं अपनी सास से कुछ कहती तभी वह बोल पड़ी और कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानती और ना ही कुछ समझती हो, चलो अपने कमरे में जाओ और दोबारा हम दोनों के बीच में तुम्हें पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने झटके से अपनी सास से अपना हाथ छुड़ाया। वह आंखें फाड़कर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने भी बड़ी गौर से अपनी सास की तरफ दिखा। रात के समय फिर वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरी सास के बाल बहुत लंबे लंबे थे। मेरे ससुर उनके बाल काट काट कर उनको आधा गंजा तो कर ही चुके थे। मेरी हमेशा अपने सर पर पल्लू लेकर मेरी सास घूमती थी। कई दिन इसी तरह गुजर गए। मेरे पति जब घर आते तो इस घर का माहौल बहुत अच्छा और शांत होता। जब वह घर से चले जाते तो फिर माहौल बिगड़ जाता। मैं अपने पति को सब कुछ बताने की कोशिश करना चाहती थी, पर मेरी सास मुझे सख्ती से मना कर दिया था और कहा था कि अगर तुमने अपने पति को कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूँगी।
मुझे अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। टेंशन और चीखों की आवाज़ों से मैं सो नहीं पाती थी। सारी रात मुझे जागते जागते गुजारनी पड़ती थी। मेरी सास मेरे पति की माँ थी और मुझे बहुत प्यारी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे साथ सास होने जैसा सलूक नहीं किया था। इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने अपने दिल को बहुत टटोला, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी सास ऐसी हो सकती हैं। फिर अगला दिन निकला और मैं हैरान हो गई। मेरे ससुर मेरी सास के साथ मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद मेरे ससुर को एहसास हो गया है कि औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार देखा था। मैं बहुत खुश हो गई। चलो अच्छा हुआ, आपस में प्यार मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी दिनों के बाद मेरे ससुर मेरे सास के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे थे। अब मैं बेफिक्र हो गई थी और मेरे दिमाग में अब टेंशन भी निकलने लगा था। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर कमरे में आए हैं और जल्दी से मैंने उनको देखकर अपने सर पर पल्लू रख लिया। मेरे उनसे कहा, पिताजी आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, बहू मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनी हुई चाय लेकर आया हूँ। तुम्हारी सास और तुम्हारे पति को भी मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। मैंने सोचा जब से बहू घर में आई है उसके साथ यहाँ ढंग से कोई बात भी नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया हूँ। चाय पियो और बताओ मेरे हाथ की चाय तुम्हारे को कैसी लगी? मेरे ससुर का मूड बहुत अच्छा था। मैं हैरान थी, अपने ससुर की तरफ देख रही थी और न जाने इतने दिनों से मेरे ससुर को ये क्या हो गया था। वो तो मेरी सास के साथ साथ मुझ पर भी मेहरबान थे। मैंने चाय का कप उनके हाथ से लिया और उनसे कहा, शुक्रिया पिताजी। मैंने अपने ससुर से कहा, अभी चाय थोड़ी गर्म है, मैं इतनी गर्म चाय नहीं पीती, जब ठंडी हो जाएगी तो मैं पी लूँगी। मेरे ससुर ने कहा, नहीं बहू मेरे सामने पियो, मैं तुम्हारे मुँह से अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, पिताजी अभी ही मैंने 2-3 ग्लास पानी पी लिया है, इसलिए मेरा पेट भी फुल है। थोड़ी देर बाद आप आएंगे तो आपको मेरा चाय का कप खाली मिलेगा और आपकी तारीफ भी किए देती हूँ। चाय अच्छी हो या ना हो, आप मेरे पिता समान हैं। और भला कोई भी बेटी अपने पिता की दी हुई चीज़ की बुराई नहीं करती, हमेशा तारीफ ही करती है। मेरे ससुर मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा तो यह बात है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, जीती रहो बेटी, अब मैं चलता हूँ, चाय ज़रूर पी लेना। लेकिन मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं उठी और मैं चाय का कप लिया और बाथरूम में जाकर चाय को फेंक कर आ गई और कप वापस लाकर टेबल पर रख दिया, क्योंकि मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। रात के समय पर अगर चाय पी लेती हूँ तो मुझे खाना हजम नहीं होता है, मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब यह बात तो मैं अपने ससुर से कह नहीं सकती थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि मेरे ससुर के अंदर भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। काफ़ी समय से मेरे ससुर आधी रात के समय मेरी सास पर भी कोई अत्याचार नहीं कर रही थी, बल्कि वह तो उन पर अत्याचार करना जैसे भूल ही चुके थे। मुझे बहुत रात हो गई थी टीवी देखते हुए, इसलिए मैंने टीवी ऑफ किया और अपने पति से चैटिंग करने लगी थी। इस समय पर वह भी अपने रूम में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन इस समय मुझे महसूस हुआ जैसे किसी की परछाई मेरे कमरे की तरफ आ रही है। मैं डर गई। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल बंद किया और आंखें बंद कर लेट गई। किसी ने दरवाज़ा धीरे से खोला, शायद मुझ पर नज़र डाली, और दोबारा से दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। मैं समझ गई थी कि मेरे कमरे के अंदर कौन आया था। मैं दोबारा अपने पति से फ़ोन पर चैटिंग करने लगी, लेकिन मुझे कमरे के बाहर कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपना मोबाइल रख दिया और मैं चुपके चुपके अपने कमरे से यह देखने के लिए बाहर निकली कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। मैंने देखा कि मेरे ससुर
मेरी सास के मुंह पर हाथ रखकर उनको न जाने कहाँ ले जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी और मैं यह देखकर हैरान रह गई कि इस घर में एक बेसमेंट भी था जिसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं था। वो मेरी सास को ज़बरदस्ती खींचते हुए बेसमेंट के अंदर ले जा रहे थे। मैं भी दबे पांव उनके पीछे पीछे जाने लगी। मेरे ससुर बेसमेंट के अंदर मेरी सास को लेकर चले गए, लेकिन उन्होंने बेसमेंट की सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, इसलिए मैं भी उस बेसमेंट के अंदर खामोशी से धीरे धीरे चली गई। मैंने देखा बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। मेरी सास को कमरे के अंदर मेरे ससुर लेकर जा चुके थे। मैं वहीं पर ठहर कर उनकी बातें सुनने लगी। मेरे ससुर ने मेरी सास को कुर्सी पर बिठा कर रस्सी से बांध दिया था। यहाँ बेसमेंट में कोई और भी मौजूद था। मेरे ससुर उससे बातें कर रहे थे। उसके बाद मेरे ससुर ने मेरी सास को जो कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरे ससुर ने कहा, तुम्हारे इस घर में जितनी भी दौलत है ये सब तुम्हारे इकलौते बेटे की है। मैं चाहता हूँ कि यह सब तुम मुझे दे दो और मेरे नाम कर दो। कितने सालों से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। मैं यहाँ पर आज तुम्हें मार कर दफना दूँगा और सबको बता दूँगा कि तुमने अपने आशिक के साथ भाग गई हो। अब जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि तुम्हारे बेटे की सारी जायदाद मेरे नाम हो सके। मेरी सास कहने लगी, मैं मर जाऊँगी लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। यह सब मेरे इकलौते बेटे की मेहनत की कमाई है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे हरामखोर बच्चों को अपने बेटे की मेहनत की कमाई से बनाया हुआ यह सब कुछ दे दूँ? तुम शुक्र करोगी, कितने सालों से मैं तुम्हारी सच्चाई पर अपने बेटे से छुपा रही थी और अब तो मुझे यह सच्चाई अपनी बहू से भी छुपानी पड़ रही है। मेरे ससुर ने मेरी सास के मुंह पर ज़ोरदार एक थप्पड़ मारा और उन्हें कहा कि उसे तो आज मैंने चाय में नींद की दवा मिलाकर बेहोश कर दिया है, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। जब सुबह उसकी आँख खुलेगी तो पता चलेगा उसकी सास तो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है, क्योंकि जो फ़ोटो मैंने उसे दिखाए थे उसने उन फोटो पर यकीन कर लिया था। दरअसल उस दिन मेरे ससुर ने मेरे मोबाइल में जो फ़ोटो दिखाए थे वो मेरी सास के फ़ोटो थे जो काफ़ी अश्लील तरीके से लिए गए थे और मेरे ससुर ने दूसरे मर्दों के साथ उन फ़ोटोज़ को मेरी सास के साथ एडिट कर दिया था, जबकि वह सारे फ़ोटो मेरी सास के साथ मेरे ससुर ने खुद ही अपने मोबाइल से लिए थे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर यह सब माजरा था क्या। दरअसल जो अभी मेरे ससुर थे वह मेरी सास के दूसरे पति थे और मेरे पति मेरे सास के पहले पति के इकलौते बेटे थे। जब मेरी सास की शादी हुई थी तो वह विधवा हो गई थी और मेरी सास की पहली शादी जहाँ हुई थी वह आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था। उसने अपने मरने से पहले अपने होने वाले बच्चे के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी थी, क्योंकि जब मेरी सास के पहले पति की मौत हुई थी तो वह प्रेग्नेंट थी। मेरी सास के माता पिता ने उनकी शादी इस लालच में कर दी थी कि उसके पहले से ही इतने ढेर सारे बच्चे थे। मेरी सास के पास अपने पति की सारी जायदाद मौजूद थी, इसलिए मेरी सास ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उसे अपने पति का बिजनेस दोबारा शुरू करने को हौसला दिया, जबकि मेरी सास के दूसरे पति के बच्चों ने इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और उनकी जायदाद पर ऐश की। मेरा पति यह बात नहीं जानता था कि वह आदमी उसका दूसरा पति है। यह बात मेरी सास ने उनसे इसलिए छुपाई थी क्योंकि उनका बेटा बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार था और ऐसा होता है कि बच्चे दूसरे माता पिता को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे पति ने तो जब से आँख खोली थी मेरे ससुर को ही अपने पिता समझा था, इसलिए मेरी सास ने मेरे पति को बताने के बारे में कभी यह नहीं सोचा। लेकिन मेरे पति जवान हुए और उन्होंने पहले अपने पिता के बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट किया और उनके बिजनेस को खूब बढ़ावा दिया, पैसे से खूब पैसा कमाया। और बात मेरे ससुर को अच्छी नहीं लगी क्योंकि उनकी कोई भी औलाद नहीं इस काबिल नहीं थी जो मेरे पति का मुकाबला कर सकती।
सास के पहले पति की कमाई पर वह लोग पल रहे थे। मेरे पति के काबिल होने के बाद भी ये लोग मेरे पति के ही घर में रह रहे थे और उनकी मेहनत की कमाई से ही यह सब लोग अपना खर्चा चला रहे थे। लेकिन मेरे पति ने अपनी कमाई से जो कुछ भी लिया था वह सब कुछ उन्होंने अपनी माँ के नाम कर दिया था। मेरे ससुर अब यह सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते थे और काफ़ी समय से वह मेरी सास को ब्लैकमेल कर रहे थे कि वह उनको अपनी सारी जायदाद दे दे। मेरे ससुर मेरे पति के सामने तो बहुत अच्छे तरीके से रहा करते थे, क्योंकि वह कभी नहीं चाहते थे कि अगर मेरे पति को यह बात पता चल गई कि वो मेरी सास के दूसरे पति हैं और उनके बच्चे भी मेरी सास के नहीं बल्कि मेरे ससुर की पहली पत्नी के हैं, तो मेरे पति कभी भी उन लोगों को हमारे घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरे पति का दिमाग कभी भी घूम सकता है, वह इन लोगों को घर से निकाल सकते हैं। अब मेरे ससुर मेरी सास से पेपर्स पर साइन करवाने के बाद मेरी सास को मार देना चाहते थे और उनके मरने के बाद सबको यह बताते कि मेरी सास का अफेयर चल रहा था और वह अपने आशिक के साथ भाग गई। मेरी सास बूढ़ी हो गई थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह बहुत बूढ़ी हैं। मेरे कमरे के अंदर जो दो लोग मौजूद थे वह मेरे ससुर के दो बड़े बेटे थे जो कि मेरे पति की इस दौलत को हथियाना चाहते थे। मेरे ससुर मेरी सास के बाल इसलिए काटते थे क्योंकि बाल औरत का गहना होते हैं। उन्हें लगता था कि वह अपनी पत्नी के बाल काट देंगे तो उन पर रोज़ मारपीट करेंगी, तो वह डर कर उनके नाम सारी जायदाद कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं मेरी सास की हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ, जो मेरी सास इतने सालों से इन सबको बर्दाश्त कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे की जायदाद किसी ऐसे आदमी के हवाले नहीं की जो उनकी और उनके बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर देता। मैं अपनी सास पर अब ज़्यादा जुल्म होते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने एक काम किया। जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई अपने पति से चैट कर रही थी, मैं समझ गई थी कि रूम में मेरे ससुर आए हैं। मैंने अपने पति को मैसेज से पूरी बात बता दी थी। मैंने सोच लिया था कि मेरे पति को यकीन आए या ना आए, क्योंकि मुझे गड़बड़ का एहसास तभी हो गया था जब मेरे ससुर का बिहेवियर बदलने लगा था। वह मेरे कमरे में आज पहली बार मेरे लिए चाय बना कर लाए थे। मेरे पति ने जब मैसेज पढ़े तो उनका रिप्लाई किया था कि मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, तुम उसकी मदद ले लेना, बाकी मैं वहाँ से घर आने के लिए निकल रहा हूँ। अगर यह सब कुछ सच हुआ तो मैं अपने पिता और पिता के सारे बच्चों का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूँगा, और अगर यह बात गलत हुई तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगा और तुम्हें हमेशा के लिए डिवोर्स दे दूँगा। मैंने अपने पति से कहा था तुम अपने दोस्त, और जैसा कि मेरे पति ने कहा था वह अपने दोस्त को भेज देंगे। मेरे पति के दोस्त घर पर आ चुके थे। मैं अपने ससुर के पीछे पीछे बेसमेंट में उनको देख रही थी और तभी मेरे पति के दोस्त आ गए। उन्होंने मेरे साथ ही सारी बातें सुनी कि मेरे ससुर मेरी सास को और उनके दो बेटे मारने की कोशिश कर रहे थे और उनसे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे थे कि तुम यह प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं सबको बोल दूँगा कि तुम अपने दोस्त के साथ भाग गई हो, तुम एक बदचलन औरत हो और मैं तुम्हें मार डालूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहू को तो मैंने चाय पिला दी है और अब वह नहीं उठेगी तो किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। यह सब बातें मेरे पति के दोस्त ने सुनी जो एक पुलिस ऑफिसर थे और सादा ड्रेस में हमारे घर पर आए थे। उन्होंने यह सब बातें सुनी और पूरे रिकॉर्ड भी कर लिए। इतनी देर में ही मेरे पति आ गए और उन्होंने सारा मामला देखा, देखकर रंगे हाथों उन लोगों को पकड़ लिया। मेरे पति को ने मेरे सास को और दुख देते हुए मेरे ससुर और उनके बेटों को देख लिया और हत्या करने की कोशिश में मेरे ससुर को और उनके बेटों को अरेस्ट कर लिया और आज वह जेल के अंदर हैं और मेरी सास अब काफ़ी खुश हैं